Hi guys, it's Usha this side, your paper 1 faculty for UG CINET and JRF. तो guys, आप लोगों ने पावलो की क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी तो बहुत बार पढ़ी होगी, बहुत सारे टीचर्स बहुत सारे जगहों से आपने इसको पढ़ी होगी, लेकिन क्या आप उसके बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जानते हैं? पावलो जो थे, पावलो को कभी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी करनी ही नहीं थी. वो तो एक्चुअली जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स के डाइजेस्टिव सिस्टम की स्टडी कर रहे थे. लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम की स्टडी करते हुए उन्हें पता चला कि उनका जो डॉग है, जिसके ऊपर वो प्रैक्टिसेस कर रहे थे, जो रिसर्च कर रहे थे, स्टडी कर रहे थे, उनका एक असिस्टेंट था जो उसे डेली बेसिस पे जो है खाना खिलाने आता था. और उस असिस्टेंट के पास एक चाबियों का गुच्छा होता था. वो चाबियों के गुच्छे की आवाज़ को सुनते ही वो जो डॉग हैं, वो डॉग सेल्वेट करना चालू कर दिए. तो इससे उनको जो है आइडिया आया कि यहाँ पे डॉग का जो ब्रेन है, वो ब्रेन चाबियों के गुच्छे की आवाज़ से खाने को कनेक्ट कर रहा है. तो क्या ऐसी और भी चीज़ें हैं जिससे हम जो है ब्रेन्स को ट्रेन कर सकते हैं? तो एनिमल्स के ब्रेन्स की ट्रेनिंग से उन्होंने शुरुआत की, कंडीशनिंग की उन्होंने शुरुआत की, और यहाँ से आई हमारी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी. क्या आप इसको जानते थे? आई नो कि आप इसे नहीं जानते थे. और अगर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानना है तो आपको ज्वाइन करना होगा फिलर फॉर्म. तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी ओनली ऑन फिलर फॉर्म.